हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे उत्पम, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत जल्दी बन जाते हैं और ये हेल्दी भी हैं क्योंकि इनमें हरी सब्जी हमने डाली हुई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया 1 कप दही, 1 कप सूजी, 1 शिमला मिर्च, 1 गाजर, 1 टमाटर, धनिया पत्ती, 1 प्याज, 5-6 करी पत्ता, 1 छोटा चम्मच राई, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच नमक। सारी हरी सब्जियों को हमने बारीक काट लिया है। अब एक बाउल में हम सूजी डाल देंगे और दही भी डाल देंगे इसमें। दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। पानी अभी हम नहीं डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसका गाढ़ा बटर हम बनाएंगे। पानी एकदम सभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि सूजी फूलती है, तो उसके हिसाब से पानी हम बाद में और डालेंगे। अब इसको हम साइड में 10 मिनट के लिए रख देते हैं। दस मिनट हो चुका है, इसको खोल के देख लें। ये पहले से सूजी फूल गई और बैटर गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसका गाढ़ा बैटर हम बनाएंगे। पानी एकदम से ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, नहीं तो एकदम से पतला हो जाएगा तो फिर बैटर खराब हो जाएगा, तो उत्पम नहीं बनेगा। अब इतना गाढ़ा सही है बैटर उत्पम के लिए। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का पैन रख दिया गर्म होने के लिए। 1 चम्मच हम तेल डाल देंगे। राई डाल देंगे। राई को तड़कने दें। करी पत्ता तोड़ के डाल देंगे। अब इसको हम बैटर में डाल देंगे। तड़का लगाने से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और खाने में भी उत्तम अच्छे लगते हैं। अब इसमें हम 1/2 चम्मच हम नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं, शिमला मिर्च डाल देंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे, टमाटर डाल देंगे इसको भी थोड़ी सी बचा लेंगे, प्याज डाल देंगे इसको भी थोड़ी सी बचा लेंगे बाद में ऊपर से लगाने के लिए। सभी सब्जियों को हम मिक्स कर लेते हैं। चार पांच हरी मिर्च हमने काट ली, वो भी डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। पैन हमने रख दिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके इसको ग्रीस कर लेते हैं। पैन को अच्छे से गर्म कर लें तभी डालें, नहीं तो फिर ये बनेगा नहीं।
दो चम्मच हम बैटर डाल देंगे और इसको हल्के हाथ से फैला देंगे और फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएंगे और पकेंगे नहीं। इसका साइज आप अपने हिसाब से रखें, छोटा बड़ा जैसा आपको सही लगे आप बना सकते हैं। ऊपर से शिमला मिर्च डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, प्याज थोड़ा सा और धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको हल्का सा प्रेस करके दबा देंगे जिससे कि हरी सब्जियां जो डाली हमने ऊपर से वो निकले नहीं। और इसको 2 मिनट के लिए हम ढक करके पकाएंगे। दो मिनट हो चुका है, ऊपर से देखिए पक गया है। इसको हम धीरे से पलट देंगे, ये देखिए नीचे कितना अच्छा कलर आया ब्राउन। इसी तरह से उस साइड भी हम पका लेंगे 2 मिनट के लिए, ढक करके पका लेते हैं। दो मिनट हो चुका है, इसको भी देख लेते हैं पलट करके। ये देखिए इधर भी पक चुका है, इसको हल्का सा दबा दबा प्रेस करके और हम अच्छे से पका लेंगे। ये बन गया है, आपको निकाल के दिखाते हैं। अब इसी तरह से दूसरा बना के आपको हम बता रहे हैं। तेल डालेंगे, तेल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे और 2 चम्मच बटर डाल देंगे। इसको हल्के हाथ से फैला देंगे, आंच मीडियम ही रखें। थोड़ी सी ऊपर से शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज सभी चीज़ें हम डाल देंगे, धनिया पत्ती भी डाल देंगे और इसको प्रेस कर देंगे और इसको ढक करके 2 मिनट पका लेंगे। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी ही बन जाते हैं। 2 मिनट हो चुका है, ये देखिए ऊपर से ही पक चुका है ये भी। इसको पलटा लेंगे, ये देखिए नीचे भी कितना अच्छे पक चुका है। ढक के 2 मिनट और पका लेते हैं। आप चाहे तो खुला भी पका सकते हैं। ढकने से थोड़ा जल्दी पक जाता है। इसको निकाल लेते हैं, ऐसे ही सारे उत्पम हम बना लेंगे। उत्पम बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत अच्छे बने हैं। इसको ये ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले हैं, आप इसे चाहे जिससे भी खा सकते हैं, टमाटो सॉस या चटनी के साथ, रायते के साथ। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।